वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ आर्टिकल और आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है तथा कैसे ली जाती है तथा अपील कहाँ दायर की जाती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है अथवा उसके खिलाफ FIR किया गया है जो कि अजमानतीय अपराध के लिए है, तो अग्रिम जमानत के लिए अपील कर सकता है। अर्थात गिरफ्तार होने से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए अपील कर सकते हैं। गिरफ्तार होने के बाद रेगुलर बेल कराना होगा। एंटीसिपेटरी बेल CRPC की धारा 438 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। एंटीसिपेटरी बेल हमेशा अजमानतीय अपराध में ही होता है क्योंकि जमानतीय अपराध में थाने से ही बेल दिए जाने का प्रावधान है। थाने से बेल कैसे मिलती है इसकी जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अग्रिम जमानत के लिए आरोपी का अथवा आवेदनकर्ता का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति का वकालतनामा पर साइन होना जरूरी होता है। अग्रिम जमानत से संबंधित याचिका मजबूत आधार पर होना चाहिए तथा आवेदन में अपराध से संबंधित सभी आवश्यक तथ्य होने चाहिए और आवेदक की गिरफ्तारी क्यों न की जाए इसकी जवाब स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अग्रिम जमानत न्यायालय का वह निर्देश है जिसमें आरोपी को गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत दे दी जाती है, अर्थात आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपराधिक कानून के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। CRPC की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत देने का अधिकार केवल सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दिया गया है। जमानत देने का पावर न्यायालय के पास सुरक्षित होता है, यह आरोपी का अधिकार नहीं होता है। जमानत दिए जाने की शर्त। सेशन कोर्ट अथवा हाई कोर्ट जमानत देने के साथ कुछ शर्तों को भी शामिल कर सकती है, जैसे पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर उपलब्ध होना होगा, मामले से जुड़े किसी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी अथवा गवाह आदि को धमकी नहीं दे सकते, न्यायालय में बिना सूचना दिए भारत छोड़कर नहीं जा सकते। इसके अलावा CRPC की धारा 437 की उपधारा 3 के अनुसार कोर्ट को जो आवश्यक लगे उसे भी शर्तों में शामिल कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती और यह मुकदमे के अंत तक भी जारी रह सकती है, अर्थात गिरफ्तारी होने से पहले कभी भी जमानत के लिए अपील किया जा सकता है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच ने यह स्वीकार किया कि अग्रिम जमानत प्रभावशाली व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाने से रोकने में मदद करती है।